दोस्तों, रियलमी 3 को भारत में लॉन्च किए जाने से पहले इस फोन की टीजर फ्लिपकार्ट पर जारी किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर माइक्रोसॉफ्ट लाइव हो जाने के बाद बताया गया है कि फोन के उपलब्धता की कुछ पुष्टि की गई है, जैसे कि फोन की जो भी फीचर है उसके बारे में जानकारी दी गई है और इसकी जो कामयाबी है उसके बारे में बताया गया है। इसमें बोला गया है कि माइक्रोसाइट से रियलमी 3 की चुनिंदा स्पेसिफिकेशन सार्वजनिक हो गया है। साइट पर 12 nm की मीडिया टेक का हीलियो P70 प्रोसेसर के साथ जिक्र बताया जा रहा है कि इसके P70 का प्रोसेसर जो हो सकता है। इसमें दिए गए रियलमी 3 में को बात करें तो दोस्तों, इसकी जो बात करें तो इसकी लॉन्च डेट की, तो लोग आप लोग सभी लोग लगभग जान ही रहे होंगे इसकी जो रियलमी 3 भारत में हमारे इंडिया में लॉन्च होने वाला है 4 मार्च को जो लॉन्च होने वाला है दोस्तों। आज ठीक 2-3 दिन 4 दिन बाद भारत में लॉन्च हो जाएगा। और इसके कयास में लगाया जा रहा है कि रियलमी 3 हैंडसेट के साथ जो माइक्रो तो में रियलमी 3 प्रो को भी लॉन्च किया जा सकता है दोस्तों। जहां तक कि पता लगा है कि इसमें दोस्तों रियलमी 3 प्रो भी मार्केट में इंडिया में उतारा जा सकता है, जहां तक इसकी पुष्टि पता चला है दोस्तों। और इसकी रेडमी दोस्तों इस वजह रही इसके फोन का दोनों उतारने की, यह भी वजह रह सकती है दोस्तों। रेडमी नोट 7 और रेडमी नोट 7 प्रो दोनों, जिसी तरह रेडमी ने रेडमी के दोनों फोन को अपना उतारा, नोट 7 को नोट 7 प्रो को भी दोनों उतारा, उसी टाइप से इसको भी रियलमी 3 ने भी अपने फोन को भी रियलमी 3 और रियलमी 3 प्रो को उतारने के लिए सोच रहा है। इसकी बात करें दोस्तों, जैसे कि इसकी इससे भी टक्कर लिए जा रहा है, जो सुनने मारा है जैसे कि M30 जो लॉन्च हुआ था इससे, और उसी से इसका भी मुकाबला किया जा रहा है। तो उसकी बात करें इसके कैमरा के फीचर के दोस्तों, वही इसकी कैमरा इसकी 48 मेगापिक्सल की सुनने मारे से 48 मेगापिक्सल की कैमरा हो सकती है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स के साथ हो सकता है दोस्तों। इसकी इसी इतनी फीचर फोन की पावर देने की बात करें तो दोस्तों, यही रेडमी नोट 7 और रेडमी नोट 7 प्रो में जहां 4000 mAh की बैटरी दी जा रही थी दोस्तों, इसी फोन में भी इसी फोन में दोस्तों कुछ इससे बढ़कर 4200 इसका इसमें बैटरी दी जाने की बात की जा रही है कि इसमें हो सके इतनी पावर तक दी जा सकती है, जो हो सके दोस्तों। गेम सपोर्टिंग की बात करें तो इसकी दोस्तों बैटरी पर डिपेंड करता है। खैर दोस्तों, अब बात करें इसे क्विक चार्जिंग सपोर्टिंग, तो दोस्तों इसमें ऑलरेडी है जो आपकी क्विक चार्जिंग का जो सपोर्ट करेगा, और ये तो दोस्तों है ही। और साथ बात करते दोस्तों, जैसे मैंने इसकी कैमरा बात करा, और दोस्तों इसकी जो भी और इस पर पूरे और जो स्पीकेशन जो जो आईप्ली जो मैंने बोला जिन्हें हो सकते हैं दोस्तों, अभी ये कंफर्म हो जाएगा पूरे 4 मार्च को जब ये भारत में लॉन्च होगा, और इसकी कीमत भी उसी समय लॉन्च हो जाएगी। इसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कीमत भी दोस्तों ज़्यादा होगी नहीं, जैसे कि इस फोन को मार्केट में जब फोन में जैसे Realme 1 और Realme 2 बहुत ही ज़्यादा माइक्रो कहा जाता है मार्केट में, बहुत ज़्यादा इसका बिका था, लेकिन दोस्तों Realme इसी तरह इसके फोन को भी Realme 3 और Realme 3 Pro को भी लिया जा रहा है। तो आप लोग दोस्तों ये बस आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। आप लोग बस वीडियो जो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमेशा और लेटेस्ट वर्जन मोबाइलों के बारे में लेकर अपने वीडियो में लेकर चैनल पर लेकर आता रहता। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।